Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of judicial examination. Today we are going to discuss a new chapter of Indian Evidence Act that is an examination of witnesses. In which we will discuss in the first part section 135 to section 140 of Indian Evidence Act. In which we will discuss ki, what will be the stages of examination of witnesses and what will be the relevancy. एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के क्या क्या स्टेजेस होंगे फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ये सब पार्ट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं साथ ही साथ हम कवर करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक Examination of witnesses, section 135 to 140, we will discuss in this lecture. So, witnesses are examined by the parties or their advocates by the way of asking questions with a view to elicit responses that build up a factual story. So, the witnesses used to be examined before the court of law by their advocates to come to a proper conclusion or to build up a factual story. तो विटनेसेस को कोर्ट में एग्जामाइन किया जाता है एडवोकेट उनको कोर्ट में एग्जामाइन करते हैं एडवोकेट विटनेसेस के जरिए एक स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन के जरिए अपनी स्टोरी को बिल्डअप करने की कोशिश होती है टू बी एबल टू अ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस इट इज नेसेसरी टू फॉलो स्टैंडर्ड पैटर्न इन प्रेजेंटिंग कोर्ट

कि हमने देखा कि देर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना जरूरी है और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन सेक्शंस में प्रोवाइड किया हुआ है सेक्शन so 135 थर्टी फाइव ऑफ इंडियन इविडेंस एक्ट डील्स विद ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सो द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जाम Shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure, respectively, and in the absence of any such law by the discretion of the court. So, the order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure. So, how the witnesses will be examined? So the witnesses will be examined as per लॉ एंड एस पर द प्रोसीजर इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग और इन दिविलुलसीजर इन ऑफ एनी सच लॉ बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट सेक्शन वन थर्टी फाइव ये कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसा होगा जैसा क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में बताया हुआ है जैसा सिविल प्रोसीजर कोर्ट में बताया हुआ है उसी तरीके से विटनेस का एग्जामिनेशन होगा और ऐसा अगर कोई लॉ नहीं है तो फिर वो कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन और प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस तरीके से होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा सेक्शन वन थर्टी सिक्स जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस So, section 136 deals with when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. So, whenever any party is प्रोड्यूसिंग एनी इविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी पार्टी इज मैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ दिल आस्क सच अटी टू इन वट मैनर यू विल प्रूव दिस पर्टिकुलर एविडेंस और दिस पर्टिकुलर फैक्ट एंड हाउ इट वुड बी रिलीव इन यूर केस समझ रहे हो कि अगर कोई पार्टी कोई एविडेंस लेकर आती है कोर्ट के सामने तो कोर्ट उनसे पूछेगा कि ये जो फैक्ट है ये एविडेंस को तुम किस तरीके से प्रूव करोगे और ये जो एविडेंस है ये जो स्टेटमेंट है विटनेस का और ये एविडेंस इस केस में कैसा रिलीवेंट है तो फॉर एग्जांपल अगर जज को लगता है ऐसा कि ये प्रूव अगर होता है एविडेंस तो इस केस में रिलिवेंट होगा तो कोर्ट उसको एडमिट करेगा इफ द फैक्ट टू बी प्रूव इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिशल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी बिफोर एविडेंस इज गिवन

कि दूसरा फैक्ट प्रूव होगा तभी ये फैक्ट प्रूव होगा तो उस सिचुएशन में कोर्ट दूसरे फैक्ट को एडमिट कब करेगा अगर पहला फैक्ट प्रूव होता है जिसके बेस पे दूसरा फैक्ट प्रूव होने वाला है तो पहला फैक्ट प्रूव होने के बाद ही कोर्ट दूसरे फैक्ट को एडमिट करेगा इफ

प्रूफ ऑफ फर्स्ट फैक्ट पे कि सेकंड फैक्ट है लेकिन पहला फैक्ट प्रूफ होना जरूरी है दूसरे फैक्ट को फॉर एग्जाम्पल रिलीवेंट ठहराने के लिए तो उस सिचुएशन में अगर पहला फैक्ट प्रूफ होता है तो कोर्ट दूसरे फैक्ट को भी एडमिट करेगा नाउ सब सेक्शन ए इट इज प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट रिलीवेंट फैक्ट पर्सन अलेस टू बी डेड

पहले उस पर्सन की डेथ हो गई यह प्रूफ करना पड़ेगा यह फैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा फिर ही कोर्ट वो फैक्ट को एडमिट करेगा अदरवाइज तो तभी कोर्ट उस स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट करेगा अदरवाइज नॉट इट इज प्रोपोज प्रूव कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेट टू बी लॉस्ट और अगर कोई पर्सन खादे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना चाहता है ऐसे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना चाहता है वो पर्सन जो डॉक्यूमेंट खो चुका है तो उस सिचुएशन में पहले उस पर्सन को डॉक्यूमेंट खो चुका है ये प्रूफ करना पड़ेगा तभी कोर्ट उसके कंटेंट को एडमिट करेगा अदरवाइज नॉट देन द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव बाय द पर्सन प्रोपोजिंग टू प्रोड्यूस द कॉपी बिफोर तो लॉस्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा उसी के बाद कोर्ट उसको एडमिट Karega. now section 137 stages of examination section 137 defines three stages of examination of witnesses as follow the first one is examination in chief the examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief so the party who calls the witness if that party examine विटनेस सच एग्जामिनेशन एजाम्यूशन हूं मैंने मेरे तरफ से कोई witness बुलाया कोर्ट में और मैं अगर उस विटनेस को एग्जाम कर रहा हूं तो ये जो मैं मेरा जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाएगा सेकेंड वन इज क्रॉस एग्जामिनेशन सो द एग्जामिनेशन ऑफ अटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन सो

The examination of a witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re examination. So if एग्जामिनेशन ऑफ अटनेस इज देर एंड सब्सिक्वेंट टू द्रॉस एग्जामिनेशन बाई दार्टी हू कॉल्ड हिम शॉल बी कॉल्डामिनेशन फॉर एग्जाम्पल हूं एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ फिर अपोजिट पार्टी ने एग्जामिनेशन किया वो हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन और अपोजिट पार्टी के एग्जामिनेशन के बाद फिर से अगर मैं मेरे विटनेस को एग्जामिन करता होगा तो वो हो जाएगा री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सेक्शन पे 2016 में महाराष्ट्र टू एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चनिनेशन बाई एडवर्स पार्टी फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ ओन विटनेस हुईन ऑफ विटनेस टू टेस्ट हिस्स वेरासिटी बाय एनी पार्टी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द कोर्ट इट सेल्फ तो अगर हम देखें तो क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द करेक्ट ऑप्शन जुडिशियल इन चीफ मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एडवर्स पार्टी द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट विटनेस तो अगर हम देखें तो यहां पर सेक्शन 137 में एग्जामिनेशन इन चीफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम विल बी कॉल्ड एज अ एग्जामिनेशन इन चीफ अनदर क्वेश्चन इज 2010 थाउजेंड टेन महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन व्हाट इज री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सो रिकॉलिंग द विटनेस रिपीटेड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन विटनेस न ऑफ द अबो अगर हम देखें तो री एग्जामिनेशन हमने देखा कि द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किसेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम इज अ री एग्जामिनेशन ना तो रिकॉलिंग ऑफ विटनेस होगा ना तो रिपीटेड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन विटनेस होगा तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबो नाउ सेक्शन 138 थर्टी एट ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन सो विटनेस शाल बी फर्स्ट एग्जाम एग्जाम इन चीफ

कर सकती है Then, if the party calling him so desires, मतलब पहले होगा, होगा, उसके बाद cross -examination होगा. Cross -examination के बाद के अगर जो पार्टी ने witness को बुलाया है वो चाहे तो उसे री एग्जाम कर सकती है एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलीवन फैक्ट बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स

क्रॉस एग्जामिनेशन कंफाइंड रहेगा जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा गया उस पे ही फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन इन चीफ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए उससे एडिशनल क्वेश्चन भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कंडीशन क्या है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पूछा जा रहा वो रिलीवेंट होना चाहिए इन रिलीवेंट पूछ नहीं सकते देन डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन The re examination shall be directed to the explanation of matter referred in cross examination. And if new matter by, per by permission of the court introduced in re examination, the adverse party may further cross examine upon the matter. So, the re examination shall be directed to the explanation of matter referred in cross examination. Suppose if anything new found in the cross examination, so for the purpose of explaining that particular fact. री एग्जामिनेशन में बी डन और इफ एनी न्यू मैटर इफ एनी न्यू क्वेश्चन इफ द पार्टी हू कॉल्स विटनेस वॉन्ट्स टू आस्क टू दू हिज विटनेस दर्मिशन ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड एंड आफ्टर री एग्जामिनेशन ऑन न्यू पॉइंट द एडवर्स पार्टी इज हैविंग राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जाम इन हिम तो क्या बताया जा रहे हैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात निकलकर आ गई तो नई बात को एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन हो सकता है अगर कोई नई चीज प्रोसिक्यूशन को लेकर आना है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लगेगी और नए मुद्दे पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा प्रोसिक्यूशन ने तो डिफेंस उसको फिर से क्रॉस एग्जाम कर सकता है

प्रोबेबल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट शेल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑप्शन बी क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन ऑप्शन सी सी री एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन नन No any prescribed order. तो order prescribed है या नहीं है पहले एग्जामिनेशन होगा, होगा और फिर जरूरत रही तो री एग्जामिनेशन होगा तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन तो एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है द फर्स्ट स्टेज इज वेर विटनेस इज एग्जाम बाय द पार्टी हु कॉल्ड इट जो पार्टी बुलाएगी जो विटनेस को बुलाएगी वो एग्जामिन करेगा तो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाएगा इन दिस स्टेज द गोल ऑफ द पार्टी इज टू मेक मेक विटनेस स्टेटमेंट दैट प्रूव एम ऑफ द एग्जामिनेशन इन चीफ द पार्टी आस्क क्वेश्चन द रिस्पॉन्स टू विच आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट दबमिटेड बाई द पार्टी देन क्रॉस एग्जामिनेशन इज देयर

Suppose if the defense is cross examining the witness of prosecution, the very aim of cross examination is to make whole and to discredit the witness, the statement of the witness. तो विटनेस के स्टोरी में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करने का उसको डिस्क्रेडिट करने का ये एम होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का इट इज इज इंटेंडेड टू टू सजेस्ट द द कोर्ट दैट विटनेस नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज नेसेसरी टू डायरेक्ट हिज अटेंशन टू इट बाय क्वेश्चन इन दिस स्टेज तो अगर कोई पार्टी कोई विटनेस अगर सही नहीं बोल रहा होगा तो इस सिचुएशन में उससे उसकी क्रेडिट शेक की जा सकती है इस पर्टिकुलर क्रॉस एग्जामिनेशन में द विटनेस मस्ट देन बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द वाइल ही सपोज अगर विटनेस ने कोई पहले कुछ और कहा होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ और कह रहा है तो उस विटनेस को अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि भाई ऐसा क्यों पहले आपने अलग कहा अभी अलग कह रहे हो तो ये एक्सप्लेन करने के लिए उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए विटनेस को अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है विटनेस

अपेलेंट no तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया, कि किया, किया. क्योंकि जो उसने इल्जाम लगाया था वो इल्जाम उसने प्रॉपरली प्रूव नहीं किया कॉन्ट्राडिक्शन उसके केस में आए हैं स्कोप ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज दैट एज अमेंडेड इन सेक्शन वन थर्टी एट द क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलीवेंट फैक्ट रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन इज एग्जामिनेशन इन चीफ तो रिलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन से रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन रहेगा रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड है सफिशियंट एग्जामिनेशन इन चीफ से अलग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में दस द स्कोप ऑफ क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन इज क्वाइट वाइड तो क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप वाइड है कंपेयरिंग टू द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ एस पर से विटनेस की सच्चाई जानना टू डिस्कवर हु दर्सन इज एंड वट इज हिज कंडीशन इन लाइफ के कौन ये पर्सन है और इसकी लाइफ में कंडीशन क्या है यह जानने के लिए ऑब्जेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन टू शेक हिज क्रेडिट बाई इंजुरंगेक्टर उसके क्रेडिट को कितना सच बोल रहा है उसके कैरेक्टर को इंजोर करके भी उगलवाया जा सकता है उससे तो ये ऑब्जेक्टिव है सेक्शन वन फोर्टी क्रॉस एग्जामिनेशन के नाउ द थर्ड स्टेज इज री एग्जामिनेशन द फाइनल स्टेज इज वेयर द विटनेस इज री एग्जामाइंड बाय द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस इफ इन द क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज इनकन्वीनियंट आंसर आर गिवन बाय द विटनेसेस तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर इनकनवीनियंट आंसर अगर विटनेसेस से आते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन हो सकता है द गोल इन दिस स्टेज इज टू नल्लिफाई द इफेक्ट ऑफ सच आंसर एंड टू री स्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस सो दी एम ऑफ री एग्जामिनेशन इज टू नल्लीफाई द इफेक्ट ऑफ सच एंसर विच इज गिवन इन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड टू री एस्टैब्लिश द क्रेडिट ऑफ दट पर्टिकुलर विटनेस तो री एग्जामिनेशन का ऐसा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को नल्लीफाई करना ये री एग्जामिनेशन का एम है और जो उसकी क्रेडिट जो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो खो चुका है उसको री करना ये एक है

Stage से ही एग्जामिनेशन होना जरूरी है, अगर एक भी होती है तो प्रॉपर एक्शन राइट टू क्रॉसिनल क्वेश्चन टू शेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस सेक्शन वन थर्टी एट प्रोवाइड करता है क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का राइट डिफेंस right, का इन केस ऑफ राजेंद्र वर्से दर्शना देवी इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पार्टी हैज नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ दिस प्रोविजन ही कैनॉट बी अलाउड टू कंप्लेन अबाउट द क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस अगर कोई अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिन नहीं करता है तो उसके बाद वो पार्टी कंप्लेन नहीं कर सकती है विटनेस के क्रेडिबिलिटी को लेकर नाउ सेक्शन 139 क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross examined unless and until he is called as a witness. Suppose if any person is summoned to produce a document, so he cannot be.

इट विल बी अ विफि सेक्शन 140 डील्स विद विटनेसेस टू कैरेक्टर सो विटनेसेस टू कैरेक्टर में बी क्रॉस एग्जामाइन एंड सो कैरेक्टर के जो विटनेस है किसी के कैरेक्टर को प्रूव करने का है गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर वट एवर इट मे बी तो अगर किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई विटनेस आया है कि बोलने को हाँ ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा है वट इट मे बी सो विटनेसेस ऑफ कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन तो विटनेसेस ऑफ कैरेक्टर को क्रॉस एग्जामाइन भी किया जा सकता है री एग्जामाइन भी किया जा सकता है सो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन विच वी हैव डिस्कस अंडर दिस पर्टिकुलर Uh, lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.